हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में साला दर्पण से जुड़े अपडेट्स पर जानकारी की। तो नवीन ऑप्शन साला दर्पण पर शुरू हो चुका है, वो है क्लिक टू वेरीफाई और अपडेट स्कूल यूडाइस कोड। यूडाइस कोड को विद्यालय स्तर पर अपडेट करना है और इसके लिए यूडाइस कोड को वेरीफाई करना है अपने विद्यालय लॉगिन से। आप अपने विद्यालय लॉगिन से अपने विद्यालय के यूडाइस कोड और सारी डिटेल डाटा चेक कर लें, उसके पश्चात इसको अपडेट और वेरीफाई करें। इसके लिए स्कूल लॉगिन में लॉगिन होना है और यहीं पर महत्वपूर्ण जो टैब आ रही है, इंपॉर्टेंट नोटिस आ रहा है, उसके अंदर ही ये ऑप्शन नज़र आ रहा है। जैसे लॉगिन होंगे आप, क्लिक हियर टू वेरीफाई और अपडेट स्कूल यूडाइस कोड, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और एक टैब ओपन होगा जहाँ पर आपके विद्यालय से संबंधित सूचनाएँ ओपन होगी, जहाँ पर आपके विद्यालय का जो भी नाम है, आपके डाटा शाला दर्पण के अनुसार और उसके कोड है, यूडाइस कोड है। अगर उक्त यूडाइस कोड के आधार पर यूडाइस प्लस GOV के अनुसार आपके विद्यालय का नाम भी है प्रदर्शित होगा, जिले का नाम, ब्लॉक का नाम, सारी डिटेल मिलेगी। अगर ये सूचना है सही है, नीचे मांगा जाएगा उपरोक्त यूडाइस कोड सही है तो हाँ करें, नहीं तो नहीं करें। अगर सही है तो हाँ पे क्लिक करें, आगे बढ़े। जैसे ही अगर आपकी सही है, हाँ करेंगे तो आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा, अपने विद्यालय के निम्न डाटा प्रदर्शित होंगे। यदि निम्न डाटा सही है तो हाँ, नहीं तो ना करें। तो अगर आपकी सही है तो हाँ करेंगे और नई डिटेल जो आपके नीचे खुलेगी, आपके विद्यालय के यूडाइस कोड के अनुसार प्राप्त डाटा होगा। इसमें दो कॉलम दिए गए हैं, एक तो शाला दर्पण के अनुसार डाटा और एक यूडाइस प्लस .gov.in के अनुसार डाटा, और साथ ही पीछे दिया गया है अपेक्षित परिवर्तन अगर आप करना चाहते हैं तो। तो इसमें दिया गया है शाला दर्पण के अनुसार डाटा जो आपके विद्यालय के हैं, उनके नाम, यूडाइस कोड, डिस्ट्रिक्ट नेम, ब्लॉक, स्कूल, कैटेगरी, मैनेजमेंट है और रूरल है या अर्बन है, जो भी है, पिन कोड है इस प्रकार का, नीचे सबमिट का बटन है, कैंसिल का बटन है, लास्ट में अपेक्षित जो परिवर्तन करना चाहते हैं वो भी दिया गया है। विद्यालय के यूडाइस कोड के अनुसार प्राप्त डाटा है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यही कही गई है, जो रेड कलर में आपको नज़र आएंगे, यहाँ पर रेड कलर का मतलब ये भी है, जैसा कि लिखा गया है स्पष्ट तौर पर, कि लाल अक्षर का तात्पर्य है शाला दर्पण व यूडाइस कोड में समानता नहीं है। अगर रेड कलर में आपके डाटा आ रहे हैं, जो जो ब्लैक है उनमें कोई दिक्कत नहीं है, जो भी रेड कलर से लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब यही है कि यूडाइस व शाला दर्पण में समानता नहीं है। अतः आपके अनुसार जो पीछे कॉलम दिया गया है उसमें शाला दर्पण व यूडाइस उचित का चयन करें जिसमें डाटा आपके अनुसार सही है। तो पीछे जो कॉलम अपेक्षित परिवर्तन में जिसमें डाटा सही है वो आपको सेलेक्ट करना है, क्योंकि सेलेक्ट करते ही आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, शाला दर्पण और यूडाइस। तो जैसा कि इसमें निर्देश दिया गया है कि आपके अनुसार जो भी डाटा सही है उसको आपको यहाँ पर चूज करना है। आपके द्वारा प्रविष्ट किए गए यूडाइस कोड के आधार पर यूडाइस पोर्टल पर विद्यार्थियों का विवरण भी प्रदर्शित किया जाएगा, अतः यूडाइस कोड को अच्छी तरह जाँचें, उसके बाद सबमिट करें। सबमिट करने के पश्चात अपडेट संभव नहीं होगा। तो इस प्रकार से अपने डाटा सबमिट करें और जैसे ही आप सबमिट करेंगे, सबमिट के पश्चात इसके साथ ही ये जो अपेक्षित परिवर्तन में मैं बता दूं तो दो ऑप्शन आ रहे हैं, सेलेक्ट में शाला दर्पण या यूडाइस डाटा। और जैसे ही आप सबमिट कर देंगे, अगर आपकी डिटेल सही है तो ऊपर आपके द्वारा इसके डाटा सब सबमिट या अपडेट कर दिया गया लिखा हुआ भी आएगा। इस प्रकार से आप अपने डाटा सबमिट कर सकते हैं यूडाइस कोड।